नमस्कार, मैं सूरज। मेरे दोस्त, आज आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अचरज क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया परेशान, हमारा पूरा भारत देश परेशान है इसके पीछे। मामला क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। भाषा के पीछे किसी का कुछ रुक गया है, किसी का बिजनेस रुक गया है, किसी का जॉब रुका है, किसी का कोई और लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इसके पीछे बहुत ही डिबेट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा लोग अपना अपनी बातें प्रकट करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज मैं इसको आपको पूरा इसका निचोड़ मैं आपको बताता हूँ, आप इतनी भाषा में, इतने सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि लैंग्वेज ये है। मेरे दोस्त, लैंग्वेज कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है। लैंग्वेज एक नेचुरली प्राकृतिक एक तत्व है, जो कि एक कम्युनिकेशन को बताता है। अगर कोई बोले आपसे व्हाट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम बाई विच वन पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ अदर अनदर पर्सन बाई इफ द अनदर पर्सन दैट अंडरस्टैंड देयर थिंग्स, सो दैट इज अ लैंग्वेज, अदरवाइज इज नॉट लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने प्रस्ताव को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है, और यदि वो व्यक्ति समझ गया, समझ लीजिए इनका जो लैंग्वेज, इन्होंने सेंटेंस बोला था, वो एक लैंग्वेज है। अदरवाइज ये लैंग्वेज अगर उन्होंने नहीं समझ पाया, समझ जाइए इनका लैंग्वेज उसके लिए वहाँ पर लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज है लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इनकी बात को वो पर्सन समझ नहीं पाया। तो आपको मैं दो तीन कहानी बताता हूँ। मैंने बचपन में एक कहानी सुना था, और मैं मॉडर्न में अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ से देखता हूँ कि ऐसा कहानी लोग मतलब ऐसा होता है, और मैं अपने आइडिया के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, आप भी ऐसा फील किए होंगे, आप भी इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ भाषा क्या, आप केवल मेरी कहानी को ध्यान सुनिएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे भाषा क्या होती है। दोस्तों, एक मैं आपको मैंने यहाँ लिखा है ना, बाई ओल्ड स्टोरी, मैं ओल्ड स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ ओल्ड स्टोरी में क्या था। एक बार मुझे बचपन में सुनाया गया था कि एक नौटंकी पार्टी थी जिसमें 9 मेंबर थे। कितने मेंबर? 9 मेंबर थे। और वो पुराने जमाने में बहुत ओल्ड कहानी बताया गया था, उसमें ये बताया गया था कि पहले ऐसी जैसे आजकल बिल्डअप सड़कें वगैरह हैं, रूट वगैरह हाई, ऐसा कुछ नहीं था। लोग फॉरेस्ट के थ्रू जाते थे, कच्चे कच्चे सड़क होती थी जिसमें आपके जो हाईवे थी ऐसा कोई ढलिया नहीं होता था, प्लस लोग नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से लोग एक एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे, ये उनका रूट था। और रूट खोजते नहीं थे, रूट बना बना के जाते थे। आप सपोज दैट आप फील करिए, तो वो जा रहे थे नौटंकी पार्टी, तो एक जगह पे जाना पड़ा जहाँ से नाला गुजरता था। तो नाले पे गए, गुजरे, जब वहां पहुंचे तो वहां क्या हुआ मेरे दोस्त, 3 डाकू बहुत जबरदस्त, बहुत हैवी डाकू थे, बहुत ज्यादा, जो भाई बहुत ही क्रूर, निर्दयी बहुत तरीके से थे। तो उन्होंने उनको देखा, उन्होंने रुकी रुकी, उनके बाद उन्होंने लूटना चाहा इनको। 9 मेंबर थे नौटंकी पार्टी के, उन्होंने 3 थे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो जो जो डाकू थे उनके मन में एक है, पहले खिल्ली उठी कि पहले इन लोगों से पूछा, मतलब इनको आप कहाँ, तो उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं किसी एक मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पर नाच गाना करना है रात में, आज पार्टी मतलब कार्यक्रम है उनका हमारे रात में, तो जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आज पहले कार्यक्रम आप हमारे समक्ष दिखाइए, हमारे इस मंचन अपना अपना मंचन यहाँ पर करिए, हमारे इस छोटी सी पुल के नीचे, एक नाला था मैंने बोला नाला था, उसके नीचे उन्होंने कहा यहीं पर आज अपना पूरा प्रोग्राम बनाइए और यहीं पर करिए। उन्होंने जब कहा कि उन्होंने तब नाले के बगल में जाके पूरा सिस्टम अपना बनाया, उसके बाद उन्होंने अपना सब रंगत से उन्होंने देखा। तो जब पूरा सेटअप हो गया, पूरा म्यूजिक में सब कुछ सेटअप हो गया, और तीनों डाकू बैठ गए देखने के लिए, तो जब चालू हुआ मेरे दोस्त, तो आपने देखा होगा इसमें नौटंकी पार्टी में एक नकाड़ा मास्टर होता है। नकाड़े मास्टर के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक बड़ा वाला नकाड़ा रहता है आपने देखा होगा, और 2 छोटे छोटे सामने फ्रंट में रखा रहता है। तो एक एक स्टिक से इस पे एक बार मारता है, तो वो छोटे वाले पे भी उसी साथ वार करता है। तो ऐसे हुआ, तो उन्होंने जब सेटअप बनाया तो क्या चालू हो गए। तो नकाड़े मास्टर ने देखिएगा, नकाड़े मास्टर ने क्या क्या, एक एक हैवी वाला, जब इस हैवी वाले जो नकाड़ा था इस पे एक मारता था एक बार, तो उस पे जो था वो जो उस पे था
तीन बार मारता था, जो छोटे वाले थे उस पर 3 बार मारता था। तो ये वही उनका डांस था, वही उनका सुर था, सुर यही था, एक पे एक, एक पे तीन तीन, यही उनका सुर था। सुर ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, सुर सुर था एक एक पे तीन तीन। तो उन्होंने एक इस पे तीन, उस पे एक, इस पे तीन, उस पे एक, इस पे तीन, पे ऐसे अल्टरनेट करके वो चलाता गया। तो उसकी जो पार्टी थी 9 मेंबर्स हो, वो समझ गए अपनी भाषा को, क्योंकि आप जानते हैं ना, सुर सुर मिले तुम्हारा और मेरा तो बात बने हमारा, वही प्रोसेस था वहां पर। तो वो नौटंकी पार्टी वाले उस लैंग्वेज को समझ गए। वो लैंग्वेज ये कह रही थी कि एक, मैंने बोला एक पे भारी वाले पे एक मारता था और हल्के वाले पे तीन मारता था। तो तीन डाकू थे और तीनों बहुत भारी भारी थे, मतलब बहुत जबरदस्त लुटेरे थे, और ये लोग नॉर्मल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा एक भारी डाकू पे 3 मेंबर जुट जाइए, एक भारी डाकू पे, तो तीन, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। तो तीन एक पे, तीन एक पे, तीन एक पे, उसके बाद तीनों को उन्होंने मार गिरा डाला। जब तीनों को मार गिरा डाला, तीनों डाकू बेहोश हो गए, बिल्कुल मारने डल, बिल्कुल बेहोश कर दिए। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को उठा पूरा, फिर सेटअप उसको उजाड़ा वगैरह पूरा सिस्टम फिर बनाया रखा। उसके बाद अपना वो फिर जहाँ पर उनका टारगेट था वो चले गए। तो मेरे दोस्त मुझे बताइए, वो क्या था जो वो पूरी 9 मेंबर उसी एक नकारे के माध्यम से समझ गए, वो क्या था? वो केवल एक भाषा था। मैंने बोला ना, भाषा वो चीज है जो अपने प्रस्ताव को दूसरे के सामने रखे और सामने वाला समझ जाए क्या कहना चाह रहा है, यही भाषा होती है। आप बहुत बड़े अंग्रेज हो गए, 2 दिन क्या बाहर चले गए, आप अपने घर पे आए, आप मम्मी नहीं पढ़ी लिखी है, आपने कहा वाटा प्लीज कहने होगी मैं वाटा अगला सा वाटा, आप ऐसे बोलने लगे। माता को इस चीज का नॉलेज नहीं है, माता ने नहीं समझ पाई। तो उन्होंने, माता ने दोबारा पूछा कि क्या, तो आपने कहा व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ, सो आपने उसको बहुत अनाप शनाप बातें कह डाला। मेरे दोस्त, बेवकूफ माता नहीं है, बेवकूफ आप हैं। आप 2 दिन गए, आप इतना चेंजमेंट हो गया, उसी माता के आप आंचल में पले बड़े और उसकी भाषा को समझ गए, जो आपका लोकलिटी भाषा है। जहां मैंने क्या बोला, भाषा वो चीज है जो एक दूसरे को समझा दे, एक दूसरे व्यक्ति को अगर बोला जाए वो समझ जाए, वही भाषा सक्सेसफुल भाषा है। अदरवाइज पूरी दुनिया में सब अनसक्सेसफुल भाषा है। अगर किसी, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और आप हिंदी क्षेत्र में गए हैं, आपके अंग्रेजी भाषा बिल्कुल बेनिरर्थक हो गई, वो किसी लायक नहीं है, भले से कितना डिमांड क्यों ना हो, वो किसी लायक नहीं भाषा है। कोई हिंदी भाषी है, इंग्लिश क्षेत्र में जा रहा है और अपनी हिंदी भाषा चला रहा है, उस हिंदी भाषा का वहां पर कोई अर्थ नहीं है, ये मेरा सेंटेंस है। हर भाषा का अपने अपने लोकलिटी में अपना अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो प्लीज आप किसी, और इसके अलावा तो आपने भाषा समझ गया, मैं आपको एक स्टोरी आपको और बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको इस भाषा, इस स्टोरी से नहीं समझ आया होगा, इस स्टोरी से आपको जरूर समझ आ जाएगा। मैं आपको एक बताता हूँ, अगर आप कभी मैरिज पार्टी अगर अटेंड किए होंगे तो आपने अक्सर जरूर देखा होगा, जहाँ पर उस ब्राइड ग्रूम एंड ग्रूम का, दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज बना होता है, जिसको आप बोलते हैं जयमाल स्टेज, वहाँ पर अगर आप कभी गए होंगे, तो जयमाल स्टेज पर जब कभी आप गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो वो दूल्हे का जो स्टेज, दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज है, वहाँ पर क्या होता है, तो वो तो अपने स्टेज पर रहते दोनों लोग, और उसके बहुत ही, दूल्हे के बहुत फ्रेंड्स इधर रहते हैं स्टेज के बाहर, उसी करीब में ही रहेंगे, सब लोग मोबाइल के लेके सब कैमरामैन हो जाते हैं, जगह नहीं आ पाएंगे, पीछे वाले दर्शक जो बैठे रहते हैं चेयर पे, वो बेवकूफ़ लगते हैं कि वो बेवकूफ़ वही है, ये सब महान है जो आगे मूर्तियां खड़ी हैं, उन दूल्हे के दोस्त जो कैमरा लेके इसे खड़ी हैं, वो सब बेवकूफ़, मतलब वो सब महान है, बाकी जो पब्लिक पीछे बैठी बेवकूफ़ है। तो वहां आपने देखा होगा कुछ भाई बंधु इतना गजब होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेज पे जो दुल्हन की तरफ से कुछ लेडीज और फ्लावर लेके कुछ खड़ी रहती हैं, है ना, डोकरा में लेके कुछ खड़ी रहती हैं दोनों साइड पे, राइट हैंड से लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से कुछ, वहाँ पर कुछ लेडाज ऐसे खड़े होते हैं, लेडाज मतलब समझे, मैं जानता हूँ लेडाज को क्या बोलते हैं, जेंट्स, मतलब कुछ मेल ऐसे खड़े होते हैं जिनकी वहाँ पर जीएफ होती हैं उस स्टेज पर। तो वो लोग क्या करते हैं, तो
अब देखिए दूर है स्टेज और यहां से दूर है, वार्तालाप नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। तो लोग क्या करते हैं, तो इधर से देखिए ध्यान समझिएगा, इधर यहाँ पर आपके दूर पे आपका वो बीएफ है मतलब बॉयफ्रेंड है, वहां पर स्टेज पे जीएफ है गर्लफ्रेंड है। तो बीएफ यहाँ से क्या हिंट्स देगा, इन्होंने ऐसा कहा, उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है कि देखिए जीएफ ने कहा, कहा बीएफ ने समझ गया, बीएफ ने क्या कहा जीएफ से, बीएफ ने भी समझ गया, जीएफ भी समझ गई, दोनों ने समझ, दोनों आपस में समझ गए, और दोनों ही आपस में समझ गए, और किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं हुआ। ये भाषा है, यही भाषा है, अगर आप मुझे आशा, अगर आप जरूर समझ गए होंगे। वैसे मैं आपको एक बता दूं, अक्सर मैं हिंदी सॉन्ग बहुत ज्यादा सुनता हूँ, आप, मैं एक हिंदी सॉन्ग बताता हूँ, उसमें भी यही बताया गया है भाषा क्या होती है। आप इसको जरूर जाके यूट्यूब पे जाके या कहीं पे जाके आप सुन लीजिएगा, गाने का नाम मैं बोल रहा हूँ, नैनों को बातें करने दो, होठों से जो ना कह पाए, सॉरी यस, होठों से जो ना कह पाए वो आंखों की ही कहने दो, यही गाना है, नैनों को बातें करने दो। आप इसको डालेंगे तो देखिए गाना सुनना एक बहुत अच्छी कला है, अगर आप सुन के उसका मतलब निकाल लेते बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं। तो ये चीज है, तो आप इस गाने से समझ जाएंगे। तो मैंने आपको ये चीजें बताया कि भाषा क्या होती है। अब मेरा मेरा एक्सपीरियंस सुनिए दोस्त, मेरे क्या है, मैं टीचिंग का काम करता हूँ, तो लोग देखो कुछ कहेंगे इंग्लिश में चलाइए, कुछ लोग कहेंगे हिंदी बोलिए, कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश बोलिए, कुछ लोग कहेंगे हिंदी बोलिए। ये हिंदी इंग्लिश का मामला क्या है, मैं इसका आपको अर्थ मैंने बता दिया, मामला क्या है मेरे दोस्त, आपकी सफलता में भाषा बाधक ना बने, ये मेरा उद्देश्य है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा को प्लीज मेरे दोस्त फॉलो करिए, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं और उसी में फॉलो करिए, आप दो नाव पे बैठने की कोशिश ना करिए, खासकर अपने करियर को बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और आजकल डिमांड क्या है मेरे दोस्त, आजकल डिमांड ये है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए मेरे पास एक तथ्य मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके अगर पास आपका बच्चा हो या फ्यूचर में आपका बच्चा आएगा या आपके बड़े भाई या अंकल वगैरह का बच्चा है, तो मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, ये मेरा 4 साल से एक्सपीरियंस, मैं यही कहते आ रहा हूँ लोगों से, कि लोग अपने बच्चे को इंग्लिश जरूर पढ़ाएं, इंग्लिश जरूर सिखाएं, क्योंकि मेरे दोस्त जो आने वाला फ्यूचर है ये पूरी इंग्लिश होने वाली है। हिंदी नाम का जो हिंदी लैंग्वेज है ये तो रह जाएगी वार्तालाप के लिए, लेकिन आपके कैरियर में फुल सपोर्ट करेगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज आप जानते हैं हम भारतवासी का लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे जो यहाँ पर कुछ समय पहले बहुत ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव जमा डाले थे, जिसको ब्रिटिश लोग बोलते हैं, ब्रिटिशियन लैंग्वेज है, लेकिन आज ऐसा वो लैंग्वेज इतना अपना बड़ा रूप ले लिया है कि ऐसा एक ही लैंग्वेज यही इंग्लिश है जो मेरे दोस्त पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा है। ऐसी लैंग्वेज अगर आपको नॉलेज है कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारे जो हम भारतवासी हैं, हम लोग हिंदी भाषी हैं, ये हमारे क्षेत्र में ही चलता है और कुछ देशों में चलता है, अदरवाइज ये चलता उलता नहीं है, क्योंकि अपने अपने राष्ट्र का अपना अपना एक राष्ट्र भाषा होता है, लोग अपनी अपनी भाषा समझते हैं। तो मेरे दोस्त, और आपका एक लोकलिटी भाषा होता है, जहाँ पर आपने जन्म लिया अपनी मातृभूमि पे, वहाँ जो भाषा चलती है वो बिना किसी के सिखाए सीखे आप सीख सकते हैं। वैसे भाषा कभी किसी सिखाने से नहीं आता है, भाषा एक ऐसी चीज़ है जो स्वयं अर्जित की जाती है, स्वयं बिना के किसी बताए, बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी गुरु के, वो अपने आप सीख उठता है, कोई उसको सिखाता नहीं है। बस आपका वही भाषा आप सीखेंगे जिस एरिया में आप पल बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त भाषा आपके पढ़ाई में बाधक ना बने, ये मेरा खुद का उद्देश्य है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में आप कंफर्टेबल रहिए अपने कैरियर को लेके, लेकिन आप सीखिए दोनों भाषाओं को, दोनों भाषाओं का आपको पास नॉलेज होना चाहिए, जिससे आपके करियर में किसी प्रकार की, आपके किसी वार्तालाप में, किसी कम्युनिकेशन में, कहीं पर किसी स्किल्स में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना झेलना पड़े, प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, ये मेरा सूरत स्टडी का उद्देश्य है। कृपया इस भावनाओं को हमारी समझिए और इसको फॉलो करिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
भाषा क्या है, मुझे आशा है कि आप समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।